खुशामदीद आप दोस्तों का फिर और एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर आप एक टीचिंग ऑफिशियल हैं, चाहे टीचर, मास्टर, लेक्चरर, और आपको सबमिट करनी है अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट फॉर द मंथ ऑफ फेबरी 2022, तो मेरे पास है कुछ हेल्पफुल टिप्स या एक डेमो कह लीजिए, जिससे हम देखेंगे कि आप कैसे अपनी फेबरी 2022 की परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबमिट करेंगे। चलिए चलते हैं लाइव डेमो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही बेल का आइकन भी दबाएं, ताकि आपके पास हमेशा लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। तो अपना मंथली जो हमें परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनना है फरवरी 2020 का, तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्रोम में जाएंगे, क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और यहाँ पे राइट साइड में जो थ्री डॉट्स इन पे क्लिक करेंगे और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप साइट जो है, तो यहाँ पे हम डेस्कटॉप साइट को ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और डेस्कटॉप साइट की जो डेस्कटॉप मोड है वो ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं, आपको पहले ही पता है, epm.gk.gov.in। तो इस पे जाके आप फिर इसको क्लिक करेंगे और जो पहले नंबर पे यहाँ पे आ रहा है आप देख भी सकते हैं यहाँ पे epm.gk.gov.in, इस पे हम क्लिक करेंगे और हम लैंड करेंगे जो एम्प्लॉई परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग पोर्टल है उसके पेज पे। और जैसे आपको पहले ही पता है कि आपने रजिस्ट्रेशन की हुई है, आप रजिस्टर हो चुके हैं, आप हमें लॉग इन करना है, हमें परफॉर्मेंस रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट करना है फरवरी 2022 का। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो ऊपर आई बटन में जो वीडियो है उसको आप देख लीजिए। तो यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन पे जब हमने क्लिक किया तो इसके बाद हमारे पास ऐसा जहाँ पे हमें साइन इन करना होता है, तो साइन इन पे हम यूज़र नेम, जैसे आपको पता है आपका CPS ID जो होता है, तो वो आप वहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद आपको आपका पासवर्ड जो आपने रखा है, इसके बाद आपको नीचे दिया गया जो कैप्शा कोड है तो उसको यहाँ पे आराम के साथ फिल करना होगा और इसके बाद आपको लॉगिन भी क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए हम यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं और यहाँ पे लॉगिन होने के बाद हमारे सामने ये पेज आ जाता है, जिस पे आप देख सकते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है, जो एम्प्लॉई डिटेल्स है तो पहले वो है, इसके बाद नीचे देखिए रिपोर्टिंग ऑफिसर जो है उसकी डिटेल्स यहाँ पे दिखाई दे रही है, और अब नीचे देखिए क्योंकि हमें एज ए टीचर फरवरी 2022 का यहाँ पे आज रिपोर्ट परफॉर्मेंस रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट करना है एज ए टीचिंग ऑफिशियल, चाहे आप टीचर है, मास्टर है, तो जो भी टीचिंग डिपार्टमेंट से वाबस्ता, तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए ऊपर जो तीन लकीरें हैं लेफ्ट साइड में, जो यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं हाईलाइट भी हो रहा है, तो यहाँ पे इनको क्लिक करना है और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, मैं जूम करने वाला हूँ, यहाँ पे आपको यहाँ पे सबमिट एक्टिविटीज़ पे क्लिक करना है। सबमिट एक्टिविटीज़ पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने सबमिट रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो जब हमने सबमिट रिपोर्ट पे क्लिक किया तो ये वाला पेज हमारे सामने डिस्प्ले होता है, तो क्योंकि हमने पहले ही इस क्रोम का डेस्कटॉप साइट जो है वो वर्जन हम यूज़ करें, मोबाइल वर्जन हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, डेस्कटॉप वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे हमें बिल्कुल आसानी के साथ अब जो ये रिपोर्ट है इसमें जो कॉलम्स हमें फिल करने हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेरी जो वहाँ पे पूछा गया है, तो हम आसानी के साथ इसको फिल कर सकते हैं। चलिए हम पहले यहाँ पे देखिए, मैं जूम कर लेता हूँ, हमें पहले मंथ को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे दिखा रहा है सिलेक्ट मंथ, आपको इस बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आप किसी भी मंथ को सिलेक्ट कर सकते हैं, हमें फरवरी को सिलेक्ट करना है, यानी फरवरी 2022, तो यहाँ पे फरवरी को हमने सिलेक्ट किया। आप देखिए हमारा पहला क्वेश्चन जो यहाँ दिखाई दे रहा है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क असाइनड 1000 कैरेक्टर्स मैक्सिमम, तो हमें तकरीबन 200-250 वर्ड्स में अपना काम जो हम अंजाम दे रहे हैं, अपनी ड्यूटी जो हमें असाइन की गई है, तो उसके मुतलिक हमें यहाँ पे लिखना है जो हम स्कूल में काम करते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलरली हम टीचिंग ऑफिशियल्स के लिए बना रहे हैं, तो हम बिल्कुल यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे इस बटन को और यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं कि हमें क्या काम दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो ये फरवरी 2022 का जो ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट हमें सबमिट करना है बींग ए टीचर, तो मैंने यहाँ पे ये फिल कर दिया। तो आप के लिए मैं बता दूं कि मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे बोलना है कि ये जो मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ ये डेमो के लिए है, आपको अपनी बिल्कुल फैक्चुअल रिपोर्ट यहाँ पे डालनी है, जैसे
जो असाइनमेंट सबको दिया गया है या जो भी आपने ड्यूटीज़ अंजाम दी तो उसके हिसाब से आपको डालना है। तो ये जो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ इट इज़ ओनली फॉर गाइडेंस, तो ये आपको एक गाइडेंस एक यहाँ पे डेमो के लिए है ताकि आपको जो अपना जो डिटेल्स जो यहाँ पे फिल करनी है तो वो आप एक्चुअली उसी तरीके से फैक्चुअल लेवल पे करें। तो ये खाली यहाँ पे आप डेमो ले लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, अगर आप देखेंगे पहला है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क असाइंड, जो पहला यहाँ पे आप देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए आप देख भी सकते हैं द प्राइम असाइनमेंट गिवन टू मी इज टीचिंग, आई टीच एलिमेंट्री क्लास एट प्रेजेंट, बिसाइड्स करंट आई एम ऑफरिंग माई सर्विसेज एज जोनल टेक्निकल एडमिन फॉर निष्ठा ऑन दीक्षा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, मोर ओवर आई एम ऑल्सो करंटली ऑफरिंग माई सर्विसेज एज जोनल ZNO for the last 2021 out of school survey which is supposed to be done at each household level in each village. Moreover, I have also rendered my services as resource person for conducting a 5 days subject specific training in English in the month of February 22 held at Dash. तो कहाँ पे, by Diet Pulwama। तो ये मैंने यहाँ पे अपनी ब्रीफ असाइनमेंट जो दिया गया है मुझे और जो मैंने काम किया फरवरी 2022 में उसके बारे में लिखा। यहाँ पे आपको जहन में रखना है कि अगर आपने इस महीने में कोई और असाइनमेंट किया, जैसे आपने विंटर कैंपस वहाँ पे आप अटेंड कर रहे थे, आप उसका लिख सकते हैं वहाँ पे आपने क्या काम किया फरवरी 2022 में, या अगर आपने कोई और ट्रेनिंग प्रोग्राम एज रिसोर्स पर्सन या एज आपने वहाँ पे एज ट्रेनी यानी आप वहाँ पे पार्टिसिपेंट थे, कितने दिन का किया, किस सब्जेक्ट में किया वो अटेंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो वो भी आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई आपको और असाइनमेंट डिप्यूटेशन बेसिस पे जैसे कि कोविड 19 रिलेटेड ड्यूटी जो है तो वो भी आप लिख सकते हैं कि फरवरी 2022 में आपने क्या असाइनमेंट्स या ड्यूटीज़ अंजाम दी। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे देखिए आप नंबर of days spent in office during the month, तो यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया है क्योंकि जो पांच ये यहाँ पे ऑफलाइन या ऑफिस कितने दिन आपने यहाँ पे गए आपने अटेंड किया, तो मैंने जो 7 दिन तो जो स्कूल स्टाफ को जाना था ड्यूरिंग क्लीनलीनेस वहाँ पे स्कूल में करनी थी फ्यूमिगेशन वगैरह तो वो हमने किया, और प्लस जो 5 डेज हमने ट्रेनिंग के अटेंड किए बीइंग ए रिसोर्स पर्सन तो वो मैंने ऐड कर दिए यहाँ पे 12 डेज। तो यहाँ पे आपको जहन में रखना है जो विंटर क्लासेस के लिए थे तो उनके जो वहाँ पे डेज हैं वर्किंग डेज वो ज़्यादा आ सकते हैं, या और किसी ड्यूटी पे जो थे डिप्यूटेशन पे या कोई और जो ऑफिशियल ड्यूटी उन्हें निभाई तो उसके हिसाब से उनको देखना है कि हमारे कितने वर्किंग डेज आते हैं फेब 2022 में। यहाँ पे आपको जहन में रखना है वो टीचिंग ऑफिशियल जिन्होंने ना तो कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया ना और कोई असाइनमेंट ऑफिशियल असाइनमेंट अंजाम दिया, सिर्फ वही 7 डे जो आ गए जिन में कहा गया था कि स्टाफ पहले अटेंड करेगा स्कूल्स को, तो वो 7 दिन जो हर एक टीचिंग ऑफिशियल को वहाँ पे स्कूल जाना पड़ा फॉर क्लीनलीनेस एंड अदर ड्यूटीज़ एंड द फ्यूमिगेशन, तो वो 7 दिन वहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये जहन में रखना है एक्चुअली जितने भी दिन आपने अपने स्कूल में बिताए तो वही आप यहाँ लिखेंगे, और इसके अलावा अगर आपने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम किया या आपने और कोई गवर्नमेंट असाइन ड्यूटी अंजाम दी तो वो भी आप यहाँ पे वो डेज भी टोटल इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद हम नीचे जाएंगे नंबर 3 पे, देखिए नंबर ऑफ डेज इन फील्ड, तो मैंने यहाँ पे 0 लिखा क्योंकि एप्लीकेबल ही नहीं है, हमें फील्ड में जाना ही नहीं पड़ता है। इसके बाद नंबर ऑफ विजिटर्स अटेंडेड, देखिए यहाँ पे ना कोई क्लास बच्चों का हुआ और ना ही कोई आया वहाँ पे, हालांकि यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ विजिटर्स एज बीइंग टीचर हमें वैसे कोई विजिटर नहीं आता है ये ऑफिसर्स लेवल के लिए, लेकिन अगर हम पेरेंट्स को एज विजिटर्स ले लें तो यहाँ पे क्योंकि फरवरी में कोई क्लास वर्क स्टार्ट नहीं हुआ था तो वहाँ पे 0 मैंने लिखा, कोई अटेंड नहीं किया। इवन अगर हम ले लेंगे कि ये विजिटर्स पेरेंट्स भी हो सकते हैं तो यहाँ पे 0 विजिटर्स हुए पेरेंट्स के तो मैंने 0 लिखा। नंबर ऑफ ग्रीवेंसेज रेडिसल कैंपस अटेंडेड, ये हमें नॉट एप्लीकेबल है, टीचर्स को किसी कैंप में नहीं जाना पड़ता है ये ऑफिसर्स लेवल के लिए, तो मैंने 0 लिखा यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ ग्रीवेंस अटेंडेड एंड रिजॉल्वड, जब हम ग्रीवेंस कैंप में नहीं गए तो हम रिजॉल्व भी नहीं कर सकते, देखिए यहाँ पे मैंने दोबारा 0 लिखा है तो ये भी नॉट एप्लीकेबल है हमारे लिए। इसके बाद फिजिकल टारगेट्स अचीव्ड ड्यूरिंग द मंथ, तो बिल्कुल यहाँ पे आप ऊपर के 4 कॉलम में सिर्फ न्यूमेरिक्स आप लिख सकते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट नहीं लिख सकते हैं, वरना मैं वहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख सकता था। तो लेकिन नीचे के यहाँ पे जो 2 कॉलम्स हैं जैसे कि फिजिकल टारगेट अचीव्ड ड्यूरिंग द मंथ
तो मैंने नॉट एप्लीकेबल लिखा क्योंकि हमें फिजिकल कोई टारगेट नहीं है। यहाँ पे एक जहन में रख सकते हैं बात कि कुछ टीचिंग ऑप्शनल जो है तो वो कहते हैं कि हम फिजिकल टारगेट अपने जो सिलेबस जो है उसको भी रख सकते हैं। हाँ, ये एक बात हो सकती है कि हम अपने जो सिलेबस हमें दिया गया होता है कि किस महीने में आपको कितना सिलेबस कंप्लीट करना है, लेकिन अगर बात करेंगे फरवरी 2022 की, क्योंकि क्लास वर्क स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो इसके लिए हमें इवन दो अगर हम फिजिकल टारगेट्स को फॉर टीचिंग लेवल के लिए अगर हम सिलेबस को कंसिडर करते हैं कि मार्च में हमें 2 यूनिट्स कंप्लीट करने होते हैं, इसी तरह फिर अप्रैल में मई में जो यूनिट वाइज हमें होता है जैसे U1 U2 T1 इसके बाद फिर U3 और फिर T2 का जो सिलेबस दिया गया होता है, अगर हम उसके हिसाब से भी इसको माने टीचिंग लेवल के लिए टीचिंग ऑप्शंस के लिए, लेकिन फरवरी में कोई क्लास वर्क नहीं हुआ तो इसके लिए यहाँ पर मैंने नॉट एप्लीकेबल लिखा है फॉर मंथ ऑफ फरवरी 22, क्योंकि क्लास वर्क स्टार्ट ही नहीं हुई है, इसलिए वहां पे तो कोई फिजिकल टारगेट अचीव करने की बात ही नहीं है। इसके बाद नीचे जो है दूसरा फाइनेंशियल टारगेट्स अचीव्ड ड्यूरिंग द मंथ, तो फाइनेंशियल टारगेट कोई हमें होता ही नहीं है जहां पे कि हमें कोई पैसे खर्च करने की जरूरत पड़े या कोई और, तो यहां पे कोई फाइनेंशियल टारगेट एज ए टीचर मेरे लिए कोई नहीं था, तो मैंने लिखा नॉट एप्लीकेबल फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2022। इसके बाद नीचे देखिए लास्ट वाला कॉलम एनी सिग्निफिकेंटली हायर अचीवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन डियर टू, तो यहाँ पे हमें 500 करेक्टर्स में मुझे लिखना था कि अगर कोई ऐसी अचीवमेंट फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2022 मैंने अचीव की तो वो लिखना था। यहाँ पे मैंने लिखा है, आप देख भी सकते हैं, नो एनी सच हायर अचीवमेंट सो फार इन द मंथ ऑफ फरवरी 2022। तो ये एक ब्रीफ मैंने भरा है अपना परफॉर्मेंस रिपोर्ट बीइंग ए टीचर फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2022। इसके बाद नीचे देखिए, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे सबमिट बटन आ रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करने जा रहा हूँ। देखिए कि सबमिट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर ग्रीन कलर में आया है कि योर रिपोर्ट सबमिटेड, तो ये सारा कुछ प्रोसेस आप यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि अगर मैं दोबारा आपको दिखाऊं, ये मेरी डिटेल दोबारा आ रही है, एम्प्लॉय डिटेल, और नीचे मेरी रिपोर्टिंग ऑफिसर जो है उनकी डिटेल आ रही है, और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं जो फरवरी 2022 का जो यहाँ पे मंथ है मेरा ग्रीन कलर हो चुका है। और जैसे कि आपको पता है ये कलर स्कीम है, ग्रीन का मतलब है आपने रिपोर्ट सबमिट कर दी है, और जब इसका फिर कलर ब्लू हो जाएगा तो उसका मतलब है कि मेरे जो रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं उन्होंने रिव्यू किया है मेरी रिपोर्ट को, मेरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट को जो कि ऊपर दिखाई दे रहा है, और जो रेड कलर दिखाई दे रहा है तो इसका आपको पता है रिपोर्ट इज़ नॉट सबमिटेड। तो जो बाकी महीने हैं अभी मार्च अप्रैल मई जून, तो उनका अभी भरना बाकी है क्योंकि वो अभी आने वाले हैं, और जनवरी का जो है वो भी रेड दिखाई दे रहा है क्योंकि एज पर द ऑप्शनल ऑर्डर्स हमें जनवरी का जो जनवरी 2022 है उसका यहाँ पे परफॉर्मेंस रिपोर्ट नहीं भरना है, खाली ये स्टार्ट हो रहा है फरवरी 2022 का। तो ये है सारा प्रोसेस फॉर द सबमिशन ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्ट फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2022 एज बीइंग ए टीचिंग ऑफिशियल।